छतरपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ओवरलोड बस अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज की दीवार से टकरा गई और इस हादसे में जहां दो लोगों की मौत हुई है वहीं 28 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग ढंग से बसें तक नहीं चलवा पा रहा, जिस कारण आए दिन बस हादसे होते रहते हैं। छतरपुर में फिर एक ओवरलोड बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 28 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक दर्जन यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा तब हुआ जब सागर से इलाहाबाद की ओर जा रही यात्री बस देर रात छतरपुर महोबा मार्ग पर स्थित ओवरब्रिज की दीवार से जा टकराई और ये बड़ा हादसा सामने हुआ। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यात्रियों की माने तो बस का ड्राइवर नशे में था और घटना के वक्त वे बस तेजी से चला रहा था। घटना के बाद से बस ड्राइवर फरार है। बस 74 सीटर थी, जबकि बस में क्षमता से अधिक 90 सवारियां थी। आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आने के बावजूद प्रशासन सबक नहीं ले रहा है और यात्री बसों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जाती हैं, तेज रफ्तार बसें चलाई जाती हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। इसमें लगभग 88 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक पेशेंट की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई है। दूसरा पेशेंट गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसको झांसी के लिए रेफर किया गया था प्राथमिक उपचार देने के बाद, लेकिन वो शायद रास्ते में ही डेथ हो गई है उसकी, तो उसको वापस लाया गया है वहां से रास्ते से। बाकी सारे पेशेंट का यहां पर जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। कहाँ हादसा हुआ, किस तरह से हुआ था? वो हाईवे का पुल नहीं, उस पुल में मारे। कैसे हुआ हादसा? वो शराब पीने के 8 बजे से गाली गलौज हो रही थी, फिर उन्होंने बदल दिया उसका, ठीक है। उसकी मैसेज भी थी, वो साली भी थी, वो पीछे बैठा रहे थे। उसको बता रहे थे कि कैसे गाड़ी हम चलाती है, घुमा फिरा दी गाड़ी। टीकमगढ़ से जा रहे थे चित्रकूट। अच्छा, कहाँ पे हादसा हुआ था ये? जी पुल के टाइम। कैसे हादसा हुआ? कैसे हुआ कब माने बतिया बीत गए होते में गाड़ी माने मोड़ी पाए सुबह वापस नहीं भाई, इस तरह से ढल गई पुल में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली डैडी बने हो? देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।